नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यू स्पेशल की। आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो मैं आपको क्विक रिव्यू देने जा रहा हूँ इस एलजी के वॉशिंग मशीन का, जिससे मैं जो है आपको फर्स्ट टाइम जो है कपड़े इसमें जो है धोके मैं आपको दिखाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाली जो है वॉशिंग मशीन अभी डिलीवर हुई है, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा बहुत सेटअप ही किया है और इस तरह से जो आपको मशीन जो है देखने मिल जाती है। क्रोमा से हमने जो है परचेस की है। कैपेसिटी की बात करूँ तो 7 kg है। मॉडल नंबर की बात करूँ तो ये इसका मॉडल नंबर है और जो है आफ्टर एक्सचेंज ये हमें 20,621 रुपीज़ में जो है पड़ी है। मैं जो इसका आपको बॉक्स दिखाता हूँ और इसके बॉक्स के साथ जो एक्सेसरीज आती है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो है इसके बॉक्स के ऊपर का लेबल है, इसके ऊपर आप जो एक्सेसरीज यहाँ पे जो है देख सकते हो। मैक्सिमम MRP यहाँ पे देख सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड मॉडल नंबर यहाँ पे जो है देख सकते हो। मशीन के डायमेंशंस की बात करूँ तो जो ये हमारा वाला मॉडल है, इसकी जो आपको विड्थ देखने मिलेगी ये है 540 mm इस तरह से। फिर जो है डेप्थ की बात करते तो डेप्थ है 560 mm इस तरह से यहाँ पे ऐसे। और हाइट की बात करें तो हाइट जो है 925 mm, मतलब ये ऐसे वर्टिकली। तो इस तरह से जो इसके डायमेंशंस जो है आपको देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। अगर अगर ड्रम की बात करें तो ड्रम आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना डीप जो है 7 kg का ड्रम जो आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको जो है साइज़ देखने मिलेगी, इतना जो है ड्रम की डेप्थ है इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस तरह से जो कुछ आपको ड्रम अंदर का जो है देखने मिल जाता है। अब जो है आपको क्विकली जो है मैनुअल दिखा देता हूँ। तो ये सारे मशीन्स को जो है ये मैनुअल एप्लीकेबल है, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने मशीन के जो है सारे नेम यहाँ पे दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे कंटेंट कुछ इन्होंने बताया, फीचर्स के बारे में शायद यहाँ पे बताया और पेज नंबर बताया सारे। यहाँ पे सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दी है, फिर जो है यहाँ पे अगेन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस सबको जो है पॉज करके देख लीजिए, मैं जो है जल्दी जल्दी से इसे पलटता जाता हूँ। प्रोडक्ट फीचर्स दिए यहाँ पे, तो ये इसके प्रोडक्ट फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब मशीन में कौन सी जगहों पे जो है कौन सी चीज़ें लगी हो, सारी यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे जो है प्लेसिंग, लेवलिंग, इंस्टॉलेशन के बारे में बताया। जो इंस्टॉलेशन जो आपको पहले किया करके दिया जाता है डिलीवरी के टाइम, LG का मतलब जो आते हैं उनके तरफ से होती है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कनेक्टिंग वाटर सप्लाई हॉस एंड ड्रेन हॉस किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो आपको ड्रेन हॉस कनेक्टिंग द ड्रेन हॉस टू वॉशर किस तरह से यहाँ से आपको जो है ये करना है, कनेक्ट करके छोड़ना है, उसके बारे में बताया। प्रिपरेशन बिफोर वॉशिंग, इसे आप देख लीजिए पॉज करके। यहाँ पे जो है यूज़ ऑफ वाटर, डिटर्जेंट, ब्लीच एंड सॉफ्टनर यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे यूज़ ऑफ वाटर, डिटर्जेंट अगेन उसी के बारे में है। यहाँ पे जो वाटर लेवल्स दिए हैं तो उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बताया। तो आप इसे जो है साइड बाय साइड भी देख लीजिए एक बार, क्या लेवल पे कितना पानी इसमें भरेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगेन वही है। यहाँ पे स्पेशल गाइड फॉर स्टेन रिमूवल के बारे में बताया इन्होंने। कंट्रोल पैनल के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते हो इस तरह से। तो ऐसे सारे बटन्स और कंट्रोल पैनल के बारे में जो है इन्होंने बताया है साथ में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और कंट्रोल पैनल के बारे में मैंने पहले ही वीडियो किया है, जब वो LG का आए थे उन्हीं से मैंने बात करते हुए वीडियो किया है, जो इस वीडियो के साथ ही मैं लगा दूंगा यहाँ पे। और भी एनर्जी सेविंग गाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से वॉश करना है आपको, आपके मॉडल के हिसाब से कितने बार वॉश करना है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। एयर ड्राई के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। स्मार्ट क्लोजिंग डोर के बारे में बताया हुआ है। सोक वॉश यहाँ पे, ऑप्शन वॉश यहाँ पे, डिले स्टार्ट, रिजर्वेशन वॉश यहाँ पे जो है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया है। अगेन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, कॉमन वॉशिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है ऑपरेट करते टाइम, उसके सॉल्यूशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे दिए उन्होंने। ट्रबल शूटिंग यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अर्थिंग के बारे में बताया, अगर आपके घर में अर्थिंग हो या ना हो उसके बारे में। सेम है डिस्पोजल ऑफ ओल्ड अप्लायंस, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट बताई है, कंपनी कॉपी वगैरह ये सब इन्होंने किया ही नहीं जो ये इंस्टॉलेशन करने आए थे। वारंटी के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने डीप में बताई हुई है। और यहाँ पे सारे मॉडल नंबर दिए हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं नहीं आते, यस एंड नो करके उन्होंने बताया है, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस।
साथ ही में जो ये और एक क्विक रेफरेंस गाइड है फॉर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, तो आप इसे भी जो है पॉज करके जो है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे आपको जो ये ठीक से दिखा देता हूँ, चेक बिफोर वॉशिंग है यहाँ पे, ये प्रिपरेशन बिफोर वॉशिंग इन्होंने बताया है। यहाँ पे मैं ठीक से इसे पकड़ता वैसे, ताकि जो है आप इसे पॉज करके पढ़ सको। बैक साइड में भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ट्रबल शूटिंग केयर मेंटेनेंस के बारे में लिखा है। वारंटी के बारे में बात करें तो 2 साल की इसकी वारंटी है मशीन की पूरी तरह से, और मोटर की वारंटी जो 10 ईयर्स की है, और जब मशीन वो इंस्टॉल करने आते हैं तभी आप चाहो तो वारंटी ले सकते हो एडिशनल 2 या 3 ईयर्स की 2500 में, और सॉरी 3500 में, और अगर आप बाद में वारंटी लोगे एडिशनल तो आपको जो है 4500 की जो है पड़ेगी। फिर जो मैं आपको इसकी जो है बाकी चीज़ें जो है बताना शुरू करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पूरी तरह से जो है हार्ड प्लास्टिक जो है देखने मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ये सारा जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आप यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे जो है मेटल है यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। तो कुछ पीछे से जो है कुछ मशीन इस तरह से जो है देखने मिल जाती है, यहाँ पर भी जो इन्होंने मेटल यूज़ किया है, यहाँ पर प्लास्टिक है इस तरह से। पीछे की तरफ यहाँ पर जो है व्हील्स दिए हुए हैं आपको, और आगे की तरफ जो है ऐसे आपको ब्लैक कलर के जो है लेग मिल जाते हैं इस तरह से दो। फिर जो है ये इसकी वायर है, अच्छी खासी लंबी वायर आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हमने फोल्ड भी लगाया रखा है क्योंकि बहुत लंबी वायर है, और ये पाइप दिया है सप्लाई वाटर का, ये जो हमारा पहले का ही है, और इसके साथ जो आता है ये वाला पाइप है जो इसके साथ आता है, जो थोड़ा मतलब छोटा है इसलिए ये वाला यूज़ नहीं कर रहे। ये इसका ड्रेन पाइप है इस तरह से, यहाँ पे ऐसा लग जाता है, और यहाँ पे नीचे इतनी लेंथ तो इसकी एज यूजुअल ही है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे बताया इन्होंने कि किस तरह से आपको जो इसे क्लीन करना है, जो वाटर सप्लाई में अगर कुछ कचरा वगैरह फंस गया तो उसके बारे में, साथ ही में जो है यहाँ पे कुछ कॉशन दिए इन्होंने, इसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सारे फीचर्स के बारे में आपको बता दूंगा आगे। यहाँ पे पावर सेविंग गाइड बताया, 5 स्टार मशीन है, और इसकी रेटिंग यहाँ पे इन्होंने लिखी है, लोड कैपेसिटी है, वाटर कंजम्पशन बताया है। बाकी यहाँ पे मॉडल के बारे में इन्होंने सब चीज़ें लगाई, यहाँ से कुछ नहीं है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपन करते ही डोर, मैं आप एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, इसका जो ये डोर है ऊपर वाला बहुत आराम से जो है बंद होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ओपन करते ही जो यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताया है फॉर स्मूथ ऑपरेशन, तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो है सॉफ्टनर डिस्पेंसर दिया, मतलब कुछ कंफर्ट वगैरह डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हो जैसे उन्होंने बताया था हमें। यहाँ पे जो है इसका जो सारी डर्ट वगैरह जो है निकाल देता है उस सब का जो है, इसमें और गंदगी जमा हो जाती है उसके लिए यहाँ पे दिया है इस तरह से इसके अंदर। फिर जो है यहाँ पे स्प्रिंकलर दिया है जहाँ से वाटर स्प्रिंकल होगा, उस मोड पे लगाने के बाद यहाँ पे जो है पाउडर के लिए इन्होंने दिया है, यहाँ पे आपको पाउडर डालनी है, और ये एरिया जो है यूजेबल नहीं है पता नहीं, ये मतलब दूसरे मशीन के लिए वगैरह दिया होगा वो तो पता नहीं। तो इस तरह से जो कुछ अंदर से जो है मशीन एक तरह से देखने मिलती है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम टफ है। ये डोर जो इसका, इसकी भी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी देखने मिल जाती है, इस तरह से बंद हो जाता है। ग्लास भी जो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का देखने मिलता है, बस यहाँ पे जो प्लास्टिक कवर लगा है उसके ऊपर जो इजीली स्क्रैचेस आना जो है शुरू हो जाता है, यहाँ पे पहले एक दो स्क्रैचेस जो है पड़ चुके जिस तरह से आप देख सकते हो। ये ग्लास एरिया अगेन, और अगेन ये जो है प्लास्टिक एरिया जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो इजीली जो इसके ऊपर स्क्रैचेस जो है आना शुरू हो जाता है। कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 7 kg की मशीन है, तो उन्होंने कहा कि एक बार में जो आप इसके अंदर जो है 14 क्लोथ्स डाल सकते हो, मतलब 14 कपड़े डाल सकते हो। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं तो 14 से ज़्यादा है, तो मैं आपको जो है एक एक कपड़े इसके अंदर डाल के जो है इसे ऑन करके आपको बता देता हूँ। और पाउडर की बात करूँ तो उन्होंने कहा कि आप सर्फ एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो और एरियल भी जो इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो है इसे लगाने से पहले जो है मैं आपको कुछ इसके बेसिक चीज़ें बताता हूँ, इसे कर देते हैं ऑन यहाँ से इस तरह से, और जो वॉल्यूम रखी है हमने हाई रखी है यहाँ पे, आप इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मोड दिए इन्होंने, ये पावर बटन है, ये इसको ऑन एंड पॉज करने का बटन है, रिस्टार्ट करने का बटन है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोग्राम के लिए इन्होंने जो है प्री वॉश के लिए ये मोड दिए है सारे, ये जो है अगेन जो यहाँ पे नॉर्मल टर्बो वॉश क्विक वॉश के लिए यहाँ पे मोड दिए, और ये जो है मिनट्स जो है अपने आप से बताता है, मतलब कितने मिनट। अगर स्ट्रॉन्ग वॉश के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा है,
नॉर्मल की नहीं बता रहा है, और टर्बो वॉश क्विक वॉश जो है 23 मिनट का चलेगा इसके अंदर, यहाँ पे बता रहा है। स्पिन में आपको जो है किस तरह से स्पिन करना है, लो स्पीड, मिड स्पीड, हाई स्पीड, उस तरह से बता रहा है। यहाँ पे राइंस जो है मतलब कितने बार उसे निचोड़ के निकालना है उसके बारे में बता रहा है। वॉश कितने मिनट्स के लिए करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। साथ ही में यहाँ पे वाटर लेवल है 1 लीटर से लेकर 10 लीटर तक आप जो इसे कंट्रोल कर सकते हो। और प्रोग्राम में जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये जो आप प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे इनमें तो सभी में जो आपको ये तीनों भी फीचर मतलब वॉश, राइंस एंड स्पिन जो है देखने मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, और यहाँ पे सॉइल लेवल मतलब उन्होंने जैसे मुझे बताया कि कपड़ों पे कितनी गंदगी है, उस तरह से आप जो इसे हेवी, नॉर्मल और लाइट पे जो है सेट कर सकते हो। और ये अगेन इसी के हिसाब से सेट हो रहा है, मतलब जो क्विक वॉश में जो है ये नॉर्मली जो है समझेगा कि सॉइल लेवल है, मतलब कपड़े उतने नॉर्मली गंदे हैं। स्ट्रॉन्ग में हेवी, नॉर्मेबल में अगेन नॉर्मल, और टर्बो वॉश में भी नॉर्मल ही है, क्विक वॉश में भी नॉर्मल, बस स्ट्रॉन्ग में जो है ये हेवी पे जा रहा है। तो इस तरह से जो एकदम बेसिक फीचर यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और टाइमर जो है फीचर के हिसाब से आप जो सिलेक्ट करोगे फंक्शन, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमर ही आपको दिखाएगा कि उतने मिनट के लिए जो मशीन चलने वाली है। तो अब जो इससे मैं इसमें कपड़े जो है लोड करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसे ऑन करके। तो अभी जो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्लोथ्स जो है ये टोटल 14 है, मतलब इसमें टॉवल वगैरह पकड़ के अगर बात करूँ, ये 1 2 ये 3 4 ये 5 ये 6 ये जीन्स 1 7 8 ये 9 ये 10 11 12 ये 13 और ये 14। और साथ ही में जो ये कुछ टॉवेल वगैरह छोटे मोटे 4 या 5 है, तो टोटल 19 हो जाएंगे। इनको सबको भी इसके अंदर जो डाल देता हूँ, तो ये हो गए टोटल हमारे 19 कपड़े इसमें पूरी तरह से। तो अभी यहाँ पे जो है पाउडर डालेंगे, तो पाउडर जो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ये जो हम सर्फ एक्सेल डाल रहे हैं, अजून टाक एक, तो अभी थोड़े कपड़े ज़्यादा है तो 4 स्पून जो यहाँ पे इतनी पाउडर डाल दी है, और यहाँ से जो है इसे यहाँ पे लगा के पानी ऑन कर दिया है। बस यहाँ पे जो है अभी मोड जो है सिलेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा कपड़े हैं तो जो है स्ट्रॉन्ग वॉश जो है यहाँ पे मैं देखूँगा, यस हेवी एंड हाई है, सॉरी यहाँ पे वाटर लेवल देखेंगे एक बार। तो वाटर लेवल ये खुद से सिलेक्ट कर रहा है, तो अभी इसमें जो पानी आना शुरू हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। और जैसे आप डोर ओपन करते हो ये जो है रुक जाती है मशीन, और अभी जो है फिर से शुरू हो जाएगी। और जो है ये मतलब जितना वेट है जो है उसे जो है ये ऐसे ड्रम हल्का सा स्पिन करके जो है देख लेता है पहले, और फिर उसे जो है प्रोसेस करके जो है आपने जो मोड सिलेक्ट किया उसके हिसाब से जो है पानी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है, और कितने टाइम के लिए चलाना है इसे उसे जो है ये सिलेक्ट कर लेता है। बस आपको आगे इसे जो है रिज्यूम करना है, पॉज हो जाती है जब मशीन इसे ओपन करने के बाद इस तरह से। तो ये हेवी पे है, साथ ही में जो यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है खुद से, और टाइम जो है 21 मिनट्स का यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे। और हमने जो है स्ट्रॉन्ग वॉश जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो पानी आना शुरू हो चुका है। तो पानी भरने के बाद जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो है 19 क्लोज ऑलमोस्ट 20 आप पकड़ लीजिए, 4-5 मास्क भी उसके अंदर, किस तरह से ये जो है हैंडल कर रही है। तो अभी जो है मशीन जो है यहाँ पे देख सकते हो आप घूमना शुरू हो चुकी है, तो पानी जो है पूरा मशीन ने इसके अंदर जो है भर लिया है जितना कि यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था 10 लीटर का। और अभी जो है ये वॉश मोड पे जो है मशीन जो है चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोड फंक्शन कर रहा है वो यहाँ पे जो है ब्लिंक होता रहता है, आप यहाँ पे जो देख सकते हो। और यहाँ पे जो है ये एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है आपको, तो ये बेसिकली जो है मिनट्स में है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फर्स्ट वॉश है, तो देखते हैं कितने टाइम में जो है ये पानी जो इसमें से निकालने वाले। टोटल जो है 14 क्लोथ्स है, मतलब अडल्ट
के क्लोथ से, मतलब बड़े लोगों के 14 क्लोथ से, उसमें जो है आपको टी शर्ट और जीन्स एक उसमें डाली है, और बाकी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स ही है, और बाकी जो है कुछ रुमाल वगैरह, मास्क वगैरह, ऊपर से 4-5 चीज़ें मैंने अलग से डाली थी। तो टोटल आप 20 क्लोथ जो है इसमें आप देख सकते हो किस तरह से मशीन जो है काम कर रही है। आवाज़ जो एकदम कम है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी जो इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है, इतने डिस्टेंस पर मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो हल्की सी आवाज़ आ रही है बहुत। ये बाकी पानी की आवाज़ है, वो छोड़ दीजिए, यहाँ से आप सुन सकते हो बहुत, मतलब साइलेंटली जो है मशीन यहाँ पे जो है काम कर रही है। तो अभी एस्टिमेटेड टाइम और कम हो चुका है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 बार जो राइंस करेगा, मतलब जो इसमें 2 वॉश हो गए, एक बार में अपने जो है फीचर सिलेक्ट कर लिया तो ये जो ये 2 वॉश जो है एक बार में ऑटोमेटिकली जो है इतने टाइम में जो है करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे ये पानी निकाल के जो है स्पिन होना जब शुरू होगी तब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से स्पिन वगैरह हो रही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाउडर है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है इसके अंदर, तो मैं अभी जो है पाउडर इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। तो अब जो मैं इसे इस तरह से ऐसे पॉज करूँगा, और चाहूँ तो जो है यहाँ से मैं इसे ओपन करके जो है इसके अंदर और पाउडर जो अभी ऐड करूँगा, तो जो अभी इसके अंदर और 1-2 चम्मच जो है मैं यहाँ पर पाउडर जो है ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं डायरेक्ट पानी में डाल रहा हूँ, तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्फ एक्सल और एरियल आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो, हम जो अभी सर्फ एक्सल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहली सैमसंग की मशीन थी, और ये एलजी जो है एरियल को प्रमोट कर दे इस तरह से, तो आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसे नीचे कर देता हूँ मैं, और फिर से जो इसे एक बार दबाना है, यस हो गई शुरू। तो इस तरह से आप जो है पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो, और पानी भी आप ऐसे खोल के ऐड कर सकते हो क्योंकि ये जो है खुद से जो है जल्दी पानी लेती नहीं है मशीन, तो पहले मशीन में भी हम वैसे करते थे, जो रेकमेंड नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस तरह से कपड़े ज़्यादा हो तो आप जो है उसे इस तरह से इसे ओपन करके ऐसे पॉज करके जो है एक्स्ट्रा पानी भी ठीक से ऐड करना, आपको बाहर ही हवा गिराना नहीं है मशीन के अंदर, ठीक से ऐड करना। अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड किया था, तो अभी इसे और चलने देते हैं, और बहुत टाइम है। आप देख सकते हो किस तरह से स्पिन हो रही है, मैं जो मोबाइल इसके ऊपर रख देता हूँ, और आप जो सुन भी सकते हो कि मशीन जो है कितनी आवाज़ कर रही है, मैं इस तरह से यहाँ पे मोबाइल रख देता हूँ, तो इस तरह से जो है मशीन की आपको आवाज़ आएगी, और इस तरह से जो है कपड़े ये जो है एक तरह से मशीन जो है स्पिन करती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ये किस तरह से टब घूम रहा है इसका, और किस तरह से जो है यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे हैं, एक एक बार जो है इस तरह से घुमाती है, एक बार इस तरफ घुमाती है कपड़ों को, ताकि ये कपड़े ऐसे दोनों तरफ से जो है ठीक से यहाँ पर जो है वॉश हो सके। और अगेन बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ क्लोथ्स जो इसमें 20 है, उसमें से जो है 15 क्लोथ्स जो है 14 क्लोथ्स वो वेरिएबल है, अभी कुछ इस तरह से जो है ड्रम मूव हो रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ऐसे मूव होने के बाद ये वापस जो है जैसे मूव करती है क्लोथ्स को वैसे शुरू करेगी। अभी एस्टिमेटेड टाइम हुआ है, यहाँ पे बता रहा है ये 49 मिनट्स, मतलब एक तरह से जो है 2 वॉश के लिए जो है ये आधा आधा घंटा लगेगी एक तरह से, ऐसे मुझे यहाँ पे जो है देखने मिल रहा है। मैंने यहाँ पे जो है टाइमर भी लगाया हुआ है, जब से मैंने मशीन जो है सेट करके ऑन की थी, स्टार्ट की थी, तब से लेके कितने मिनट हुए उसके लिए यहाँ पे टाइमर यहाँ पे लगा के रखा है मैंने, मतलब पूरे ये 2 वॉश और एस्टिमेटेड टाइम ख़त्म होने तक जो है मैं इसे ऑन ही रखूँगा, और आपको लास्ट में बताऊँगा कि कितने मिनट जो है टोटल मशीन ने लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन जो है मशीन जैसे घूम रही थी वैसे घूमना शुरू कर दिया है, अभी जो है मैं इसमें अभी इतने टाइम से जो है मशीन घूम रही है और सारे मतलब पानी मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है गंदा दिख रहा है, तो अभी मैं जो इतना वेट नहीं करना चाहता, मैं अभी चाहता हूँ कि मिनट्स यहाँ पे मैं कम करता हूँ थोड़े, तो इसके लिए मैं एक बार यहाँ पे इसे पॉज करता हूँ, और जो यहाँ पर ये एस्टिमेटेड टाइम है उससे कर देता हूँ मैं थोड़ा कम, तो यहाँ पर जो है ये 15 मिनट 18 मिनट
21 मिनट इसे मल्टीप्लाई करना है कितने वॉश कर रहे हो उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड टाइम बताएगा। तो ये 35, ये 32, 46, 52, तो जहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम जो है मुझे यहाँ पे कम देखने मिलेगा, तो एकदम कम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ओके 25 मिनट्स का कर लेते हैं और कर देते इससे स्टार्ट। तो इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे ने मैंने मोड भी चेंज कर लिया क्विक वॉश, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग वॉश में मिनट्स उतने नीचे नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्विक वॉश सिलेक्ट कर लिया। तो क्विक वॉश में जो है आपको यहाँ पे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मिनट जो है कंट्रोल करते मिलते हैं, मतलब 10 मिनट से लेके 23, 26, 29, 30, 33, 41, 45 और अगेन 10। तो अभी इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, और मैं 10 ही रखता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ये पानी निकालना बहुत ख़राब हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि दूसरा पानी भरे पानी जाने से पहले, क्योंकि दो ही वॉश करने हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 10 मिनट सिलेक्ट किया, अभी इसे करता हूँ मैं वापस रिज्यूम। अभी 10 का यहाँ पे 8 मिनट्स बता रहे, पता नहीं ऐसे क्यों बता रहे, लेकिन ठीक है क्योंकि मुझे अभी दूसरा पानी भरना है पानी जाने से पहले, और इसे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे पानी लेवल भी कम बता रहा है, लेकिन पानी जो इसमें कम हुआ नहीं है, पानी एज इट इज़ जितना है उतना ही है, प्लस टाइम यहाँ पे मैंने कम किया है। तो अभी पानी निकालने के बाद ये किस तरह से स्पिन होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक बार इसने पानी निकालना शुरू किया उसके साथ। और टाइम जो है चेंज होता है आपके इन मोड के हिसाब से, तो मैं स्ट्रॉन्ग में जो है कम से कम मिनट सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि मुझे क्विक में मिल गए इस तरह से, तो आप वैसे कर सकते हो। तो अभी जो है मशीन ने पानी निकालना शुरू किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो जैसे स्पिन करना शुरू करेगी मशीन, मैं आपको जो है दिखा दूंगा वीडियो रिज्यूम करके किस तरह से स्पिन करते और कितनी आवाज़ आती है। तो अभी जो है मशीन स्पिन मोड पे और अभी घूमना शुरू ही हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस अभी शुरू ही है घूमना और पता नहीं फिर से रुक गई है। तो मैं ऐसे ऑन ही रखता हूँ, मतलब किस तरह से, या फिर घूम के देख रही होगी कि कितना पानी यहाँ पे बाकी है। तो अभी फिर से घूमना शुरू हो गई, अगेन रुक गई। तो इस तरह से जो है ये अभी मतलब शुरू हो रही है घूमना, एक तरह से आप कह सकते हो, लेकिन ये ऐसे अंदाज लेके मतलब घूम रही है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी जो है ये ठीक से घूमना शुरू हो रही है एकदम स्पीड में, और अभी स्लो ही एक तरह से, ज़्यादा स्पीड में नहीं घूम रही है अभी, आप देख सकते हो। तो अभी स्पीड थोड़ी बढ़ रही है मशीन की और स्टेबल है मशीन, अभी भी आवाज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर आ रही है, जितनी चल रही थी उतनी भी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं मोबाइल रख देता हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल भी वाइब्रेशन या फिर आवाज़ कुछ नहीं आ रही है, ये मैं उंगली से ऐसे कर रहा हूँ, एकदम साइलेंटली घूम रही है, लेकिन स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ी बढ़ गई है स्पीड। अंदर वाला ड्रम आप देख सकते हो किस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, और मशीन तो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, आप देख सकते हो एकदम स्टेबल है, आवाज ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नहीं आवाज। और यहाँ से पानी भी निकल रहा है ठीक से, अभी जो है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, अभी स्पीड बढ़ गई इसलिए, अभी आप देख सकते हो इस तरह से आवाज़ आ रही है। मैंने मशीन जो मोबाइल के ऊपर रख दिया, सॉरी मशीन के ऊपर मोबाइल रख दिया है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है हल्की सी, ड्रम इस तरह से मूव हो रहा है कुछ, और ये मैक्सिमम स्पीड ऐसा लग रहा है, लेकिन मशीन स्टेबल है एकदम, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट्स बता रहा है स्पिन टाइम। तो उसके बाद जो मैं सेकंड पानी जो इसमें पूरा भर दूंगा, हल्की सी मशीन जो अभी हिल रही है, आप यहाँ पे पाइप देख सकते हो या फिर यहाँ पे वायर देख सकते हो हिल रही है, तो उतनी सी मशीन जो है हल्की सी वाइब्रेट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिल रहा है पाइप,
बहुत हल्का सा है, मतलब एकदम माइनर है। एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनट हो चुका है। अब स्पीड और बढ़ गई है, आप देख सकते हो। आवाज़ भी थोड़ी सी बढ़ गई है, मोबाइल रख देता हूँ मशीन के ऊपर। यार अभी भी देखता हूँ पानी आ रहा है, यार यार अभी भी पानी आ रहा है इसके अंदर। तो अभी जो इसमें मैं दूसरा पानी लगा देता हूँ। अभी जो है मशीन ऑलमोस्ट रुक चुकी है और रुक रही भी इंस्टेंटली, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है रुकने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड एकदम से जो है कम हो चुकी है, और चाहो तो आप जो यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो इंस्टेंटली, जैसे मैं अभी करूँगा। देख सकते हो अभी यहाँ पे ये रुक गया एकदम इंस्टेंटली। तो इसमें जो है मैं अभी सेकेंड जो है पानी लगाऊंगा। ये टोटल जो है 15 प्लस क्लोथ्स जो इसके अंदर है, तो अच्छे से जो इसने कर लिया है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये आपको जो है इंस्टॉलेशन के टाइम ही जो इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो जो आपको ये पाउडर ऑफर करते हैं, मतलब मशीन क्लीन करने के लिए उसका ड्रम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 पैक्स है, और 2 या 3 महीने के दौरान आपको जो एक एक पैक यूज़ करना है, मतलब 2 महीने के हिसाब से करोगे 10 महीना चलेगा, मतलब एक एक पैक यूज़ करना है। और 3 महीने के हिसाब से करोगे 3 महीने में एक पैक, तो 1.5 साल के आसपास जो आपको 5 पैक जो है हो जाएंगे। तो 750 रुपीज़ लिए थे इस 5 पैक के उन्होंने, तो हमने यहाँ पे परचेस कर लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे तो बाहर से भी आप खरीद सकते हो या फिर उनसे भी आप जो है खरीद सकते हो। तो ये था हमारा क्विक रिव्यू इस LG के मशीन का। इसका मॉडल नंबर जो है ये रहा, इसका मॉडल नंबर है T70SJSF3Z का, 7 kg कैपेसिटी है। तो इसका जो मैं फुल रिव्यू दूंगा, मतलब इसे एक्सटेंसिवली यूज़ करूंगा, बहुत हेवीली यूज़ करूंगा, अच्छे से यूज़ करूंगा लॉन्ग टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स पता नहीं कभी, और आपको जो इसका फुल रिव्यू जो है दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।